साइड थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो साइड्स की रेशियो जो होती है वो सेम आती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करना था। देखो इधर क्वेश्चन नंबर टू, थर्ड पार्ट। ट्रायंगल का नेम है PQR, PQR। ये जिसकी भी आवाज है ना, अपना मुंह बंद कर लो। ई और एफ पॉइंट दे रखे हैं। PQ मतलब ये कंप्लीट दे रखा है 1.28। PR ये कंप्लीट दे रखा है 2.56। PE 0.18। PF 0.36 ये गिवन है। आपने चेक करना है कि रेशियो सेम है या नहीं। इफ द रेशियो इज सेम देन ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर। इफ द रेशियो इज नॉट सेम तो साइड जो है ये जो साइड है ये पैरेलल नहीं होगी। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक रिजल्ट और भी है जो अभी आगे जाके आएगा पेज नंबर 133 पे। उसमें थ्योरम दे रखी है, उसके बीच में ये रिजल्ट आ रहा है। इधर देखो एक और चीज, उसमें ये बताते हैं आपको, जैसे सुन लो क्या मतलब है। PE अपॉन PQ, आपको बताया था कल ये, PE अपॉन PQ जो होता है वो PF अपॉन PR के इक्वल है। एक्चुअली ये क्यों लिया है, आप लेने को तो ये भी ले सकते थे, क्योंकि इस लेंथ कंप्लीट दे रखी है तो यही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये इक्वल है। एक चीज और इक्वल है इसके, बता सकते हो क्या? ये इसकी साइड है, ये छोटे वाली साइड, बड़े वाली साइड, ये स्मॉल साइड, ये लार्ज साइड। एक साइड और भी तो है ट्रायंगल की, ये साइड। इसकी रेशियो किसके साथ आएगी? ई एफ। तो ई एफ अपॉन क्यू आर भी इससे इक्वल होगा। ये रिजल्ट है पेज नंबर 133 में, अलग से नहीं गिवन, थ्योरम के बीच में गिवन है। थ्योरम के बीच में देखो, देयर फोर जहां लिखा हुआ है ना, 133 पेज देखो, उसके राइट साइड पे जहां देयर फोर गिवन है उसके सामने दिया हुआ है। सर्कल कर लो इसे, मैं इस रिजल्ट की बात कर रही हूं आपसे। हां जी, ये वही रिजल्ट है जो मैंने लिखा। ठीक है, अब जरूरत होगी लेना है आगे, नहीं तो नहीं लेना। अभी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए बता दिया क्योंकि अगर कई बार गए थ्योरम तो करवानी नहीं है वो वाली, तो फिर बाद में नहीं याद आएगा, इसलिए बता दिया। अब देखो PE कितना है 0.18, PQ कितना है 1.28। इसकी रेशियो चेक कर रही है कि इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगी तो साइड पैरेलल होगी। PF कितना है 0.36 और पूरी साइड कितनी है 2.56। कटिंग कर लो इसकी, डेसिमल रिमूव हो गया, कटिंग करो, बोलो क्या आ रहा है? 9/ इधर 22/ बात ही, जिससे मर्जी कट कर लो, जो भी आंसर रिड्यूस तो करना ही है ना लोएस्ट फॉर्म में, जहां तक कटिंग होती है करते जाओ। ये आ गया, तो अब आप क्या लिखोगे? ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये क्यों पैरेलल है, कौन से रिजल्ट से इक्वल है? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये रिजल्ट आ गया पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। फिगर गिवन है, रेशियो इक्वल लेके आनी है। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, फिगर आपको ये गिवन है इसकी। देखो इधर, ये फिगर गिवन है ए एम एल एन बी सी डी। आपको क्या लेके आना है? इक्वल ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए बी, ये इक्वल लेके आना है। पैरलर गिवन है, जब पैरलर गिवन होती है दीक्षा कौन सी थ्योरम लगती है?
हाँ जी मैंने पूछा जब इक्वल साइड्स पैरेलल दी होती हैं तो कौन सा रिजल्ट अप्लाई होता है? बीपीटी अप्लाई होता है। इसका मतलब आपने स्टेटमेंट नहीं लर्न करी, यही मतलब है ना इस बात का, तभी आपको पता नहीं है। स्टेटमेंट बोलो आदित्य, बीपीटी की स्टेटमेंट बोलो। मैंने बोला था कल लर्न करके आना, बोलो फिर। उधर नीचे नहीं देखना, हाँ इधर देख के बात करो। चलो बोलो, ये ऐसे थोड़ी स्टेटमेंट बोलो, नहीं आती इसका मतलब ये है। मैंने बैठने को बोला ही नहीं आपको, किसने कहा है? वहां चले जाओ साइड पे, जाओ उस साइड पे पीछे। श्रेयांक बोलो, रेशोज आर इक्वल। ठीक है, ये स्टेटमेंट एज इट इज लर्न करनी है। हो सकता है स्टेटमेंट ही फोर दी हो वहां पे, उसमें वर्ड चेंज हो, स्टेटमेंट लर्न होगी तो करेक्ट चूज करोगे। स्टेटमेंट लर्न करनी है। देखो यहाँ पे ये साइड इसके पैरेलल है, दिया हुआ क्वेश्चन में। मैंने आपको कल भी बताया था कि बीपीटी और उसका कन्वर्स तब लगता है जब ट्राइंगल दिए होते हैं। तो ये पूरी फिगर तो क्वाड्रिलेटरल है। अब आपके पास ऊपर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इधर वैसे ट्राइंगल बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं, ये भी हो रहा है बड़े वाला ट्राइंगल, फिर ये स्मॉल ट्राइंगल, ये फोर ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं इसमें। अब आप पहले इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो ऊपर फॉर्म हो रहा है। इस ट्राइंगल में ये साइड इसके क्या है? पैरेलल। अगर ये साइड पैरेलल है तो हम बीपीटी से कह सकते हैं एएम अपॉन एमबी इज इक्वल टू एएल अपॉन एलसी। एएम अपॉन एमबी इज इक्वल टू एएल अपॉन एलसी। ये एक रिजल्ट आ गया। अब आ जाओ नीचे वाले ट्राइंगल में। ये ट्राइंगल दे रखा है, इस वाले ट्राइंगल में ऊपर वाले की को छोड़ दो, ये ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड पैरेलल। अगर ये साइड पैरेलल है तो ए एन अपॉन यहां क्या है, हाँ जी ए एन अपॉन एन डी एल अपॉन एल सी, ये रेशियो इक्वल है बाय अगेन बीपीटी। दोनों रिजल्ट को कंबाइन करो, ये कॉमन है, सेम है ना दोनों की राइट साइड, तो लेफ्ट भी सेम हो जाएगी, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक्चुअली जब भी एक ट्रायंगल फॉर्म होता है तो जो चीज कॉमन होती है, अभी करते हैं एक मिनट में कुछ बात कर रहे हैं, बाद में देखते हैं क्या आ रहा है। देखो इधर मैं आपको ये बता दूं, जब कोई एक फिगर दे रखी होती है वन फिगर, उसी में दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, तो हमेशा उसमें जो चीज कॉमन होती है वो हट जाती है। जैसे ये कॉमन है, ये हट जाएगी तो इसकी रेशो डायरेक्ट इसके साथ आ जाएगी, वही लिख दिया हमने, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये रिजल्ट जो है बीपीटी जब हमने करी थी तो मैंने आपको एक रिजल्ट और भी बताया था कि जब स्मॉल वाली साइड दे रखी हो तो आप बड़े वाली साइड फॉर्म करने के लिए प्लस वन करते हो, बताया था आपको। आपके पास आ गया ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एम बी ए एन अपॉन एन डी। अब यहाँ देखो इसको कंपेयर करो इसके साथ, न्यूमिनेटर सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर में आपको पूरा चाहिए ए बी, ये पूरा चाहिए, तो क्या करेंगे आपको फिक्स किसको करना है? ए एम को, क्योंकि ए एम इसमें भी चाहिए इसमें भी, इसका मतलब ए एम को डिनोमिनेटर में लाना है। पहले इसका करोगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करने के बाद प्लस वन और दोनों साइड पे एलसीएम आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करना है, तब मिलेगा वो आपको आंसर। तो हम कर नहीं रहे ऐड वाला कंसेप्ट, बस इतना आपको बताना था, ये हो गया। जब भी एक फिगर दी होगी दो रिजल्ट आएंगे, कॉमन वाला रिजल्ट हट जाएगा बीच में से, वो वाला डायरेक्ट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। ऐड करने की इतना कुछ बताया आपने, सुना ही नहीं इसका मतलब। जरूरत है केशव की नहीं है ऐड वन करने की, वो कह रहा है वन ऐड करने की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ बताओ उसे, पड़ेगी जरूरत। एमसीक्यू में नहीं करना लेकिन कंसेप्ट तो बताने हैं,
हो सकता है दोनों ही ऑप्शन दिए हो, बोथ वाला आंसर हो, फिर पता होगा तो करोगे। हो सकता है ऐसे ये इनमें से भी कोई रेशो इक्वल दे रखी हो और भी, तो हो सकता है तीनों ही पार्ट ट्रू हो, फोर दिए हो, फोर के फोर भी ट्रू हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। जैसे इस बार था मैथ्स वाला एक क्वेश्चन था, उसमें फोर पार्ट से, ऐसे फोर वाले में से आ सकता है। तो जो भी रिजल्ट ट्रू हो आपको पता तो सारे ही होने चाहिए। जवान भी तो इतनी सी है तेरी, बोलती इतना है तू। अच्छा क्या बातें, दिल से नहीं होना बेटा, तो आराम कर। क्वेश्चन नंबर फोर, देखो इधर इस फिगर में, सिट डाउन, इस फिगर में दो कंसेप्ट दिए हुए हैं, दो बार मतलब पैरेलल का कंसेप्ट है। पहले एक बार एक यूज कर लेते हैं फिर नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि अगर कंप्लीट फिगर बनाते हैं तो कंफ्यूजिंग है। पहले देखो इधर, आपको कहते हैं ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये बड़ा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें डी ई जो है, यहाँ पे एक डी ई लाइन है, पहले डी ई है, डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, ये दे रखा है। पहले मैंने हाफ फिगर ही बनाई है, बाकी बाद में फॉर्म करते हैं। ये ट्रायंगल है, इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, जब भी पैरेलल होती है आपको बताया था बीपीटी लगेगी, बोलो सर कौन सी रेशो इक्वल आएगी। ए बी बोलो, जय देखो ए डी, वैसे स्टार्ट कहां से करना चाहिए था, यहां से जहां वर्टेक्स होती है ना वहां से स्टार्ट करो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक ये भी है पर बेटर कि वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। किससे इक्वल आएगा, बीई सी, और भी किसी के इक्वल हो सकता है, बीई अपॉन बी सी इक्वल टू बी डी अपॉन, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो जरूरत हो देख लेना, अभी इसकी जरूरत है, ठीक है। अब ये एक आ गया, अब फिगर को कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या कहता है आपको, ये इतनी सी फिगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, अब आपके पास ना एक ट्रायंगल और बन रहा है जिसमें आपको कहता है डी एफ, यहाँ डी एफ है और वो ए ई के पैरेलल है। इधर देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगे तो आप फिगर एक और बना लेना, ये आपको कहते हैं डीएफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। मैंने बाकी फिगर रब कर दी जो नहीं चाहिए। अब रेशो क्या आएगी बोलो तरुणदीप, बी डी अपॉन डी ए या ए डी, हाँ जी बी डी एफ अपॉन इक्वल। अब इसमें लेफ्ट साइड तो राइट भी क्या देगी, आंसर चेक करो, डी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है यही आंसर। एक चीज और भी हो सकती है, ये देखो इधर, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, ऐसे भी हो सकता है। पेपर में कंफ्यूज मत होना, सारी ऑप्शन चेक करना, हो सकता है बीएफ को यहाँ लिख दे, इंटरचेंज कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है ना, अगली एक्सरसाइज में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे भी हो सकते हैं कि बीएफ यहाँ आ जाए, ईसी यहाँ चला जाए, तो वो वाला रिजल्ट भी ट्रू होगा, वो रॉन्ग नहीं है, वो भी ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा ये भी, क्लियर है। जैसे मैं आपको कहूँ, मैं वैसे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, हो सकता है ओ ए के साथ ओ सी आ जाए नीचे, हो सकता है ओ ए के साथ ओ डी आ जाए, कोई भी आ सकता है, अपॉन में ही लिखना है, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। तो सेम वे में ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, वो भी ठीक होगा आंसर। एक्चुअली ये इसलिए बता रहे हैं, अभी तो फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हो तो अभी इजी है, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे रिजल्ट और अप्लाई होते जाएंगे तो उतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो जहां पैरेलल का कंसेप्ट आएगा वहां बीपीटी लगेगी, बीपीटी लगाने के बाद ही बड़े सारे रिजल्ट बन सकते हैं, पूरी लाइन बन सकती है, सेंटर वाली बन सकती है, हाफ हाफ बन सकती है, वो आपने देखना, हो सकता है सारे रिजल्ट ट्रू हो सकता है सारे ट्रू में से एक फॉल्स दिया हो वो बताना हो,
कुछ भी हो सकता है. तो रिजल्ट मेन इसमें है कंसेप्ट क्लैरिटी और रिजल्ट लर्न करने आपने, तभी कुछ देखोगे वहां कौन सा ट्रू है. ठीक है, तो इंटरचेंज वाला कंसेप्ट भी हो सकता है. ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा 4 था, ठीक है. 5 करना है ना स्टार्ट. ठीक, चुप करो. फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, अब देखो फिर से फिगर में काफी कुछ दे रखा है लेकिन मैं हाफ फिगर बनाती हूँ. आप भी पेपर में ऐसे ही करना, हाफ बनाना, आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा बिल्कुल भी. उससे आपको कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे और आप बना भी लोगे. ये फिगर दे रखी है 6.20, इसमें यहाँ पे ये दे रखा है. अब यहाँ पे आपके पास डी ई जो है, डी ई लाइन वो ओ क्यू के पैरलर है. ये लाइन इसके पैरलर है. मैंने एक फिगर नहीं कंप्लीट करी, बहुत कुछ दे रखा है. एक्चुअली ट्रायंगल भी बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं तो इसलिए ऐसे ही बना लेते हैं. ये साइड इसके पैरलर है. हाँ जी बोलो अरमान, क्या आएगा रिजल्ट? ये कौन है? आपको बोल रहे हैं क्या करते जा रहे हो? किसको है अभी? तो मैं कर रही हूँ. PE by EQ is equal to PD by DO. ऐसे भी हो सकता था PE by PQ is equal to PD by PO, PD by QO, कुछ भी जो भी इंटरचेंज भी हो सकते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया. सेकंड में अब आपको कहता है यहां पर ये ज्वाइन हो रहा है, ये D है, यहाँ पे एक और लाइन इस तरह से फॉर्म हो रही है, इसका नेम है F. ये साइड इसके पैरलर है. बोलो केशव, क्या आएगा रिजल्ट अगर ये साइड इसके पैरलर है? पी एफ अपॉन इज इक्वल टू ये राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा इक्वल. लेफ्ट में क्या आ गया? ये दोनों साइड्स की रेशो सेम आ गई. ठीक है, अब आपने शो क्या करना है कि ई एफ जो है ये लाइन और ये लाइन पैरलर है. बोलो, ये बोलो कहां से आएगा ई एफ क्यू आर के पैरलर कैसे होगा? रेशो सेम है. प्रॉब्लम लग रही है तेरे में. आंसर बोल क्यों नहीं रही? क्या जवाब क्या दे रहा है? होगा रेशो, होगी. होगी क्या होता है? कौन बताएगा? यहाँ बैठ के कर क्या रहे हो? ये ऐसे ये बैठना आता है आपको, ये देख लो ये क्लास में बैठो. तो इधर होके बैठो, किसने मना किया? इधर होके बैठो. बोलो लास्ट, ईएफ जो है वो क्यूआर के पैरलर है या नहीं है? हाँ जी, ये रेशो, ये देखो ये लाइन जो है और ये लाइन, ये पॉइंट इस रेशो में डिवाइड कर रहा है. एफ पॉइंट पी आर को रेशो में डिवाइड कर रहा है. रेशो सेम है इसलिए साइड्स भी क्या हो जाएंगी? मिडल वाली पैरलर हो जाएंगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. पी क्यू आर पी, ये जो ट्रायंगल है इसका नेम है पी क्यू आर, एक बड़ा ट्रायंगल दिया हुआ है. उसमें एबीसी 3 पॉइंट्स हैं जो इस ट्रायंगल के इंटीरियर में. रबनूर क्या हुआ? एबीसी 3 पॉइंट्स हैं इसके इंटीरियर में और जो पॉइंट्स है ना वो ओपी, ओक्यू और ओआर के ऊपर गिवन है. ये भी क्वेश्चन में गिवन है. तो ये 3 पॉइंट्स हो गए. हो सकता है फिगर गिवन ना हो, फिगर आपने बनानी है, ये भी हो सकता है. ठीक है, तो फिगर आप क्वेश्चन को रीड करके हमेशा खुद फ्रेम करो क्योंकि अनसीन क्वेश्चन आ जाए तो आपको इजी हो जाएगा थोड़ा. ये 3 पॉइंट गिवन है. पहले देखो इधर,
ये साइड इसके पैरेलल गिवन है। ट्रायंगल का नेम क्या है? पी ओ क्यू या पी क्यू ओ, ट्रायंगल है। ये साइड इसके पैरेलल गिवन है। बोलो इमामी, अगर ये साइड पैरेलल है तो रेशियो क्या आ जाएगी? फिर वहां से बोल रहे हो, मैंने बोला था वर्टेक्स से बोला करो, यहां से बोलो। हाँ जी, आप ऐसे लिखने के बाद रेसिप्रोकल कर सकते हो, आपको जरूरत है तो। अदरवाइज स्टार्ट वर्टेक्स से ही करो, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये साइड इसके पैरेलल है, यहाँ पे एक साइड है एसी जो इसके पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है। बोलो जानवी क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से? अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ट्रायंगल का नेम क्या है? पी ओ आर। बोलो रेशो क्या आएगी? सी अपॉन सी आर। यहां से क्या रिजल्ट आएंगे बोलो? उसको बोल लेने दो, क्या हुआ? हाँ जी, ये आ जाएगी रेशो दोनों को कंबाइन कर, ठीक है। ये देखो इधर रेशो इक्वल आ गई। जब रेशो इक्वल होती है तो कन्वर्स लगता है बीपीटी का। अब यहाँ देखो, ये सारा कुछ छोड़ दो, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अब हम। यहाँ पे ये लाइन जो है ना, इसकी रेशो इसके इक्वल है, इसकी रेशो इसके इक्वल है। ये देख लो, चेक कर लो, ओ बी अपॉन बी क्यू ये आ गया, ओ सी अपॉन सी आर इक्वल है। अगर रेशो इक्वल है तो ये वाली साइड इसके पैरल बाय कन्वर्स ऑफ बी सी इज पैरल टू क्यू आर, ठीक है। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर सेवन, मैं आपको इसमें से जो रिजल्ट है ना, वैसे सारे ही लर्न करने हैं, जो थोड़े बहुत रिजल्ट हमें लगता है जो फिगर के साथ, ठीक है, क्योंकि नोटबुक में भी आपने कुछ ना कुछ लिखना है, प्रूफ तो आप कर नहीं रहे, तो जो मैं रिजल्ट्स आपको इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो रिजल्ट है वो सारा लिख लेना नोटबुक पे, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 2, 4, 6, 8 है उनके रिजल्ट नोटबुक पे लिख लेना, ठीक है। टू रहने देना इस एक्सरसाइज का, सेकेंड रहने देना, फोर से स्टार्ट कर लेना, 4, 6, 8 और 10 इन क्वेश्चन के रिजल्ट नोटबुक पे लिख देना। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहता है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये कौन सा रिजल्ट है? हाँ जी बिल्कुल, लास्ट क्लास में, 9th क्लास में है ये रिजल्ट, कि अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करती है लाइन, दूसरी लाइन को और थर्ड साइड के पैरेलल होती है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम जो है 9th क्लास में आपने की थी उसका रिजल्ट है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इसे बाइसेक्ट करती है। देखो इधर आपने ये प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, जो डी है ये मिड पॉइंट है ये दिया हुआ है, ये साइड इसके पैरेलल है ये दिया हुआ है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल। पहली बात तो ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में करता है, इसका मतलब 1:1 हो गया। मतलब यहां पर अब जो कंसेप्ट है वो आप कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इक्वल है, दो चीजें इक्वल है। इक्वल कब होती है? इक्वल का मतलब है मिड पॉइंट, और जब साइड्स इक्वल हो जाएं तो वहां पे कॉन्ग्रेंसी है एक तरह से देखा जाए, ठीक है। लेकिन हम सिमिलैरिटी लगाएंगे, लेकिन उसका एक मीनिंग निकलता है वो बता देते हैं आपको। देखो इधर फर्स्ट स्टेप में आपको ये कह रहा है कि डी इसका मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी और बी डी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं ए डी अपॉन बी डी जो है वो 1 है,
क्यों वन है? क्योंकि बीडी से दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ ले आए तो 1:1 आंसर आ गया, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है, इक्वल थे तो 1:1 हो गया। अब यहाँ देखो ये साइड इसके पैरलर है, दिया हुआ है, जब पैरलर होता है तो क्या करते हैं, बीपीटी लगाते हैं, क्या आएगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन, इसका आंसर 1 है। अगर ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि रेशो इक्वल है तो इसका आंसर भी 1:1 आ जाएगा। अगर ये 1:1 है इसका मतलब E इसका क्या बन जाएगा, ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हो AE जो है वो EC के इक्वल है, इसलिए E इसका क्या बन गया, मिड पॉइंट। पहली लाइन में मिड पॉइंट था, वहां से ये रिजल्ट आ गया। सेकंड वाली में पैरलर है, पैरलर से रेशो इक्वल आ गई, दोनों को कंपेयर करके ये वाली E भी मिड पॉइंट बन गया थर्ड साइड। क्लियर? कल नोटबुक पे इस एक्सरसाइज का जितना काम हो जाएगा कल करके लेके आना नोटबुक, कल मैंने फेयर नोटबुक कलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसका जितना काम हुआ हुआ ले आना। अब ये मत सोचना हमने तो किया ही कुछ नहीं, जो किया है वो ले आना, क्योंकि तो मार्क्स अब लगने हैं आप लोगों को, पहले मैंने कहा नहीं ना इतना, क्योंकि तो अब लगने हैं, ठीक है ना, क्योंकि तो टर्म वन आपकी अब होगी, जो आपके अब एग्जाम होंगे वहां पे टर्म वन होती है, तो वहां तक नहीं बनाई इसका मतलब, चलो मतलब पूरी नहीं है, चलो जो भी है बनाओ, क्या कर सकते हैं, ठीक है, नंबर चाहिए तो बनानी पड़ेगी। बार बार नहीं कहना, जिसकी कंप्लीट है वो ले आना करके, जिसका नहीं कंप्लीट है जितना किया हुआ है या ये वाला कर लो, जो पेंडिंग है वो कर देना बाद में, जो चल रहा है साथ साथ वो कर दो पहले, जो रह गया पहले वाला वो आगे कर देना। मैं चैप्टर वाइज नोट करूंगी आपका, जिसका जो चैप्टर पेंडिंग होगा वो बाद में चेक करवा देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करवाने की। मैंने दोबारा नहीं कहना, कल नोटबुक आ जाए, जिसका जितना काम है ले आओ, इस चैप्टर में जो किया आपने ले आओ, नहीं किया तो आज कर लेना, प्रूफ तो करने नहीं है, सिर्फ रिजल्ट लिखने हैं, उसमें हाफ एन आवर लगेगा वो लिख लेना, बीपीटी का प्रूफ बोला है बस करने को, बाकी रिजल्ट लिख देना। फर्स्ट एक्सरसाइज में से कुछ करना नहीं है, इसमें से 3-4 रिजल्ट है वो लिखना है बीपीटी बस, और सिमिलर का सिमिलैरिटी की डेफिनेशन वो लिख लेना, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो करके लाओ, जो पहले रह गया वो आगे चेक करवा देना, ठीक है। जहां पे ऑनलाइन में आपने चेक करवा दिया वो रिकॉर्ड भी है मेरे पास, ठीक है, तो आगे वाला चेक करवा देना जहां से अनचेक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बस करो, इससे पता चल रहा है काम नहीं किया हुआ। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहता है अगर किसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन फॉर्म करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं। अभी हमने इसका कन्वर्स किया था कि ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ये वाला भी मिड पॉइंट होगा, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि डी भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसकी साइड्स की रेशियो 1:1 आ जाएगी, इसकी साइड्स की रेशियो भी 1:1 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। साइड्स पैरेलल कब होती है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। और कन्वर्स कब अप्लाई होता है? जब रेशो सेम होती है। इसका मतलब आपने करना क्या है? रेशो सेम करनी है। अगर रेशो सेम हो जाती है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से साइड्स पैरेलल हो जाएंगे। समझ आई है? ये तो इक्वल है। क्यों इक्वल है ये? क्योंकि डी इसका क्या है? ई क्या है? मिड पॉइंट। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है तो रेशो 1:1, ये दोनों इक्वल है तो रेशो 1:1। अगर ये भी 1:1 है, ये भी दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगी? इक्वल। इसका मतलब एडी अपॉन बीडी की रेशो आ गई ए अपॉन ईसी के इक्वल। इसका मतलब इन दोनों की रेशो क्या आ गई? सेम। अगर रेशो सेम है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डीई और बीसी क्या हो जाएंगे? यही शो करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। आपको याद है कल हमने एग्जांपल किया था ट्रेपीजियम वाला, बिल्कुल सेम है।
ठीक है, बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन ट्रेपीजियम का जो एग्जाम्पल किया था, सेम एबीसीडी ट्रेपीजियम दिया हुआ है। ट्रेपीजियम है तो ये साइड इसके आपको यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दिया हुआ है, शो करना है रेशियो सेम है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये रेशो सेम करते हैं। पहले तो ये देखो ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, एओ अपॉन, देखो इधर एटलीस्ट क्वेश्चन में ये दोनों इंटरचेंज किए हुए हैं। कैसे? अगर इस ट्रायंगल को छोड़, ये ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की एओ अपॉन ओसी बनता है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? अब हमने करना क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। ये जो कंस्ट्रक्शन किया ना आपने, ये ज्वाइन किया है, ये इसके पैरेलल लेना है कंस्ट्रक्शन में। आपने क्या करना है, ज्वाइन ओई व्हिच इज पैरेलल टू बीसी, कंस्ट्रक्शन में लिया हमने ये। अब देखो ये इसके पैरेलल है और डीसी साइड इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये सारी आपस में क्या हो गई। मैं चाहूं तो इसको इंक्रीज भी कर सकती हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, इंक्रीज करने से ना थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो कैसे, एटलीस्ट क्वेश्चन में करना क्या है, जो ट्रायंगल लेने है ना, अगर आप एक ट्रायंगल ये वाला लेते हो, जैसे एग्जांपल में लिया था ए डी सी लेते हो ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें आपके पास ये रेशो आ रही है। ये समझ आ गई, लाइन से क्लियर हो गया कौन सी रेशो सेम आ रही है, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये रेशो आ गई, मतलब ये वाली चीज आपकी कवर होगी इसके अंदर, वही पूरी तरह से नहीं हुई। अब एक और देखो, अगर मैं इस साइड वाला ट्रायंगल लेती हूँ तो उससे क्या होगा, उससे भी यही आ रहा है सी ओ अपॉन ओ ए, जो कि पहले वाले ट्रायंगल से ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब ट्रायंगल इधर वाला नहीं लेना, कौन सा लेना है, दूसरा ट्रायंगल जिसके अंदर ये आना चाहिए, जिसके अंदर ये लाइन आ रही है, वो देखो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, पहले बेस यहां वाला ट्रायंगल लेना है ए डी सी, और अब ट्रायंगल लेना है ये वाला ए डी बी, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है, बस मेन इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट है। पहले ट्रायंगल लेना है ए डी सी, ए डी सी में रेशियो आ गई ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, एक ये आ गया। दूसरा ट्रायंगल लेना है ए बी डी, ए ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल लेना है ए बी डी, ए बी डी में वर्टेक्स बी है तो क्या आएगा, बी अपॉन ई ए, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो कर लेंगे, ये आ गया। अब ये रेसिप्रोकल आ रहा है, देखो आ रहा है ना, यहाँ पे ए ही है ऊपर, यहाँ पे ए ही नीचे, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तभी कंपेयर करेंगे। रेसिप्रोकल कर लो, ए अपॉन डी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन, ये इक्वल है तो ये साइड इक्वल आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। एक का करो, दोनों का क्यों करो, वो इसको आपस में इंटरचेंज कर दो। हाँ जी, आपने एक ट्रायंगल ऐसा लेना है जिसमें OA और OC आ जाए, और दूसरा ट्रायंगल ऐसा लेना है जिसमें OB और OD आ जाए। अगर आप एक ट्रायंगल ये वाला ले रहे हो तो आप ये वाला नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो उसमें फिर से ये वाली साइड रिपीट हो रही है, बात समझ आई, ये वाली साइड तो ऑलरेडी इस ट्रायंगल में आ चुकी है, तो ये वाला लेने का कोई फायदा नहीं होगा आपको, तो इसलिए आपने दूसरा ट्रायंगल, पहले बेस DC लिया था, अब बेस AB लेना है, मतलब ये वाला ट्रायंगल लेना, दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर देना, एक्चुअली ये चीज कॉमन है उसमें दोनों ट्रायंगल में।